हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी टी टाइम स्नैक्स, जिसे हम नीमकी भी बोल देंगे, और बहुत ही कम ऑयल में हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए जानते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर हम मैदा को ले लेंगे। यहाँ पर मैंने आधा केजी से ज़्यादा मैदा लिया है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन, थोड़ा डालेंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार, और बहुत ही कम ऑयल डालेंगे हम। लगभग पौना कटोरी, मतलब जो एक कप आता है उसका 3/4 कप हम यहाँ पर ऑयल डालेंगे। और इसको अच्छे से डालते हुए थोड़ा सा हम गर्म पानी ऐड करते हुए इसको कड़ा कड़ा हमें पूड़ी की तरह आटा लगा लेना है, जिस तरह का पूड़ी होता है। देखिए इस तरह का हमें इसमें आटा लगा लेना है। आटा लगाने के बाद अगर आप इसको आधी घंटा रेस्ट करने छोड़ दें तो आटा बहुत ही अच्छा हो जाता है तैयार। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। रोटी के साइज़ से बड़े बॉल्स हमें इस तरह से इसके बना लेने हैं। इसके बाद हमें इसको इस तरह से कोई भी आप जगह पर बेल लें, चकले पे, बेलन पे, या फिर हम तो देखिए स्लैब पे ही इसको बेल रहे हैं। बड़ा बड़ा हमें बेलना है इसको, और फिर बेलने के बाद हमें इसको कट करना है। जिस शेप में चाहें आप उस शेप में कट कर लें। हमने यहाँ पर इसको पतला पतला लंबा लंबा काटा है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो ऑयल, मीडियम ऑयल गरम हो, इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी है, आप इसको एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से पलटते हुए हमें इसको फ्राई करना है, जब तक देखिए इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगी, ब्राउन गोल्डन सा दिखने लगा है। अब इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। तेल को झाड़ते हुए हमें निकाल लेना है इसे, कोई भी पेपर पे आप निकालें। और फिर इसको चाय के साथ आप सर्व करें, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स लगता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई रेसिपीज डालूँ आपको मिलती रहे। बाय।